हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग SCERT बिहार SCERT की जो आपकी इतिहास की बुक है उसमें हम लोग सेवन्थ क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी सिक्स क्लास की जो बुक है इतिहास की वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो आपकी भूगोल की, चाहे वो सिक्स की हो, सेवन्थ की हो या एट्थ की, आपके तीनों क्लासेस की वो जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर इतिहास में हमारे सिक्स क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर सेवन्थ क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिर्फ वही चीज़ें हम लोग देखेंगे जिससे जहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकें, क्योंकि कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, बिहार के नाम से जाना जाता है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, मतलब बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। ठीक है, मिन्हाज ने बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मिन्हाज ए सिराज ने। ठीक, आगे है, बौद्ध बिहारों की भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया और मुगल काल की चर्चा यहाँ पे की, में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया था। ठीक है, मतलब प्रांत के रूप में बिहार को किसने गठित किया था? अकबर ने। ठीक है, और मिन्हाज ए सिराज ने यहाँ पर बिहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक, दो क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे बन सकते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। कहाँ सर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था, तो सबसे पहले बनाया गया था चीन में। ठीक, तो जिस तरीके देखिए सभी क्वेश्चन आसानी से आपके बन सकते हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखिए, जब अरब लोग आए थे, ठीक है, तब वो अपने यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए थे। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ये सब क्या है? ये सब अरब के लोग, अरबी खाना है एक तरीके से, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अरबी व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ये देखिए, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। अगर पूछ दिया जाए कि दरिया साहब कौन थे, तो ये कौन थे? बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि ये थे, दरिया साहब। इनका जन्म शाहबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, तो सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे और ये जो दरिया साहब थे ये भक्त कवि थे। ठीक है, इसके इनकी दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, इस समय बिहार में बहुत से जनजाति, मतलब तुर्कों का आगमन के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय बिहार में बहुत से जनजाति समूहों का उदय हुआ, जिसमें चेर राजवंश, चेरों ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। ये किसने की थी? बिहार में की थी। किसने की थी? चेरों ने। ठीक है, चेरों ने लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर जो वर्तमान में शाहबाद जिला पर, बाघमल नामक चेरों सरदार का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आधुनिक पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पटना में। ठीक, अब देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अलबरूनी की पुस्तक, अब अलबरूनी की जो पुस्तक थी तहकीक हिंद या तारिकुल हिंद, ठीक, ये किसने, तो बस यहाँ पर आपको ये रखना है कि तहकीक हिंद किसकी पुस्तक थी? अलबरूनी की या फिर तारिकुल हिंद। ठीक, अब देखिए, मिन्हाज उस सिराज कृत, मतलब मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखी गई, ठीक है, तबकात ए नासरी, ठीक, ये तबकात ए नासरी में, तबकात ए नासरी की रचना है, में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा की गई है। ये सारी किताबें हैं या रचनाएं हैं, इनको आप लोग याद रखिए। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक, अब जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक क्या थी? तारीख ए फिरोजशाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी थी। ठीक है, और अबुल फजल का कौन सा था? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखिए, भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, अब देखिए बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। ठीक,
एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा है किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसका ही फारसी अनुवाद, ठीक उसका ही फारसी अनुवाद, तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, बाबरनामा, ठीक बाबरनामा कहलाता है। अब देखिए इब्न बतूता कौन था, कौन था इब्न बतूता, अफ्रीकी यात्री था, ठीक है, और इसका व्रत यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है, रेहला, ठीक है रेहला, ठीक जो इब्न बतूता था वो मराकस मतलब मोरक्को का निवासी था, ठीक है। आगे देखते हैं शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम रोहतास जिला, ठीक है, इसके बारे में पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी मैं जानकारी दे चुका हूँ आपको। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील दूर पर स्थित वैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त है। तो मान सिंह के द्वारा कौन से दो मंदिर बनवाए गए, एक वैकटपुर का शिव मंदिर, ठीक है, आर्थिक सहायता इसके लिए इन्होंने प्रदान की थी, और रोहतासगढ़ का हरिश्चंद मंदिर। आगे देखिए 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश दिया, उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर स्थित दौलताबाद, ठीक देवगिरी नाम था, दौलताबाद बदल के रख दिया था, ठीक दिल्ली से दूर स्थित दौलताबाद जाकर बसे। तो तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी स्थानांतरण की थी, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद, तो वो कौन था, मोहम्मद तुगलक, ठीक। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में लिखा है, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक कौन सी थी, तारीख़ फिरोजशाही। अब आगे देखते हैं, अब देखिए एसामी एक रचनाकार थे, इन्होंने लिखा, एसामी ने अपनी पुस्तक फुतुह उस सलातीन में लिखा है, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था, ये तो कहानी है, सिर्फ इतना याद रखिए ये किताब किसने लिखी थी, एसामी ने, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब दूसरा चैप्टर भी हम लोग देख लेते हैं। इसी में हम लोगों ने चैप्टर वन देख लिया, चैप्टर टू भी यहाँ पर देख लेते हैं, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इसमें देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए 8वीं शताब्दी में, ठीक है, यहाँ पर से जो नए राज्यों का उदय है, नए राजवंशों का उदय उसमें उससे संबंधित है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंत दुर्ग ने अपने शासक के रूप में स्थापित किया, राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, दंत दुर्ग, ये PCS में शायद प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है पहले। अब देखिए दक्षिणा पथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी, ठीक है, राष्ट्रकूट जो राजा दंतदुर्ग थे उसकी राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके बाद था कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। अब एक इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा, ठीक है, जो उसका गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे वो राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्त में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है, किसको, नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। अब इसमें देखिए आगे देखते हैं बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। देखिए यहाँ पर बस इतना ही बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन था, गोपाल था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, मतलब कि लामा तारानाथ कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तिब्बत के रहने वाले थे, ठीक है, ऐसे आप लोग समझिए, ठीक। दिद्दा रानी कौन थी, कश्मीर की रानी थी, दिद्दा बड़ी बहन जिसे कहा जाता वो कौन थी, कश्मीर की रानी थी, ठीक। आगे देखते हैं महाराजा धीराज का मतलब होता था राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन का मतलब होता था, ठीक है, परम राजाओं के राजा, परम भट्टारक परमेश्वर, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्तीन का मतलब तीन भुवनों का स्वामी, ठीक, इसका मतलब ये होते थे। अब देखिए तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन के से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्राहित मतलब विदेशी विभाग का प्रधान, अच्छ पटालिक इसका मतलब होता आर्थिक या राजस्व मंत्री, भांडागारिक इसका मतलब राजकीय भंडार का अधिकारी, महादंडनायक मतलब पुलिस विभाग का प्रधान, ये सारे
थे, ठीक है, उस समय। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में देख लीजिए, हर्ष की जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कन्नौज हर्ष की राजधानी, ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, ठीक, कन्नौज थी, बाकी यहाँ पे कोई कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए तुर्कों का आक्रमण, आक्रमण में सबसे पहले किसने किया था? तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा ना कर सके, इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहले महमूद गजनवी था। तो तुर्कों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? महमूद गजनवी ने, ठीक, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, ये काफ़ी आपको सुनने मिलता है। तारीख़-ए-हिंद के लेखक अलबरूनी ने संकेत दिया, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो राजा उसके राजा के समान नहीं है, ठीक है, तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उसके विज्ञान के समान नहीं, मतलब हम लोग अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, सीधी सी बात यहाँ पर यही कही। अब देखिए महमूद गजनवी के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक, महमूद गजनवी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था, गजनी, जहाँ से ये आया था, गजनी से आया था, एक तुर्क शासक था, ठीक है, और इसने लगभग 1010 से लेकर 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिसमें बहुत से संपन्न मंदिर थे, ठीक है, इसमें कौन कौन से थे? मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ। सोमनाथ ज़्यादा फेमस हुआ, देखिए इसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाने के पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली क्योंकि उसके आक्रमण से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था, ठीक। और भारत पर उसने कितने बार, अभी मैंने बताया 17 बार आक्रमण किया था। अब देखिए शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी, तो फिरदौसी कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी, ठीक है। और अलबरूनी, विद्वान अलबरूनी को भारत भेजा, उसने अपनी तहकीक हिंद, ठीक है, अलबरूनी के जो तहकीकात हिंद, ये किसकी है? अलबरूनी की रचना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है, तराइन के मैदान, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में, किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। और फिर उसके बाद 1192 में फिर से लड़ाई हुई, इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हुए थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चोल साम्राज्य से संबंधित है, ठीक, यहाँ इस किताब में पूरा जोड़ जोड़ के सारी चीज़ें दी गई इधर उधर करके, ठीक, बिल्कुल सिस्टमेटिक थोड़ा नहीं लिखा है। राज का पुत्र राजेंद्र अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। तो चोल साम्राज्य में कौन सा वो राजा था जिसने विशाल जल सेना का गठन किया था? तो वो थे राजेंद्र चोल, ठीक, कौन थे? राजेंद्र चोल। अब यहाँ पे देखिए कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं इसमें, ये चोल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चोल साम्राज्य में ओलयनायकम, ये क्या होता था? प्रधान सचिव होता था। पेरुंदरम जो होता था प्रधान कर्मचारी। सीरुत्तरम, ये निम्न कर्मचारी आदि उल्लेखनीय है, ठीक है, ये चोल साम्राज्य से संबंधित अधिकारी थे, ठीक। अब देखिए संपूर्ण चोल राष्ट्र राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा या संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था जिसे मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम मतलब कोट्टम, या फिर उसको कोट्टम मतलब कमिश्नरी को कहते थे, और प्रत्येक कोट्टम नाडू मतलब जिला में बटा था। प्रत्येक नाडू कुर्रम मतलब तहसील या ग्राम समूह में विभाजित था। समिति को चोल साम्राज्य के टाइम पे क्या कहते थे? वरियम, ठीक है। अब देखिए अभिलेख के मामले में बस इतना ही पढ़ना है, पहली लाइन, तमिलनाडु के थिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के थिंगलपुट जिले में, ठीक, वहाँ से प्राप्त हुआ है, बस इतना आपको देखना है। अब देखिए चोल से संबंधित जो मंदिर थे, लेकिन चोल राजाओं ने के द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर का, चोल सम्राटों द्वारा बनवाए गए थे, और इसके अलावा एवं गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की सुंदर प्रस्तुति है, ठीक। आगे देखते हैं, अब देखिए अणिकट शब्द तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना, अणि अर्थात बांध और
कट मत अर्थात निर्माण। चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया महाअड़िकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। ठीक, अड़िकट क्या था? बांध था, कावेरी नदी के पानी पर सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास। ठीक, अब पाल वंश देखिए, पाल वंश का उदय कहाँ हुआ था? बिहार एवं बंगाल में। ठीक है, पहला जो संस्थापक था वो गोपाल था। अब गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने का प्रयास किया। स्मरण करें, इनमें से कई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की। संभवतः बिहार का मुंगेर इसकी राजधानी था। ठीक है, पाल वंश की राजधानी संभवतः बिहार का मुंगेर जिला था। ठीक है, अब देखिए, पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्रायनी, बौद्ध देव आदि प्रमुख हैं। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी हैं। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक सारी सारण से प्राप्त अवलोकितेश्वर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मैत्री की प्रतिमाएं, मुंगेर से प्राप्त मकरमुख प्रणाल आदि प्रमुख हैं। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। पाल शासकों के समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों की स्थापना हुई। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासनकाल के दौरान ओदंतपुरी, वर्तमान में बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ को ओदंतपुरी उस समय था, में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उसे नालंदा महाविहार को भी दान दिए। ठीक, विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ये धर्मपाल ने करवाया था, पाल वंश का सम्राट था, उसने करवाया था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 7th क्लास में पहला और दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम लोग इसके बाद आपकी देखिए ज्योग्राफी का तो 6 to 8 कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी पर है, राजनीतिक शास्त्र पर। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।